400 है। हाँ आधा पेमेंट कितने होती? आधे का छोड़ो जी, 200 रुपए कम है इसमें, आधा बोले तो भी। अरे भाई सब देना है फूल, आधा पेमेंट नहीं है। 70% एक बार लेना, 30% एक बार लेना बोल रहा है। मैं तो नेक्स्ट महीने में बंद नहीं करूँ। बंद लो करो ना, मैं भी मेरे काम का है कट करना। आप कभी बंद लो, आधे के हिसाब से कितना हो रहा है? 2200 हो रहा है। 70% ले रहे आप इससे, 70% पहले लेना। 2 इंस्टॉलमेंट दे रहे भाई, किसकी भी बिला ज़्यादा बिल बने तो फिर बीच में कट करके चले जाते हैं। नहीं नेक्स्ट मंथ 20 तारीख तक अंदर कर देना, नया बिल आने के बाद कर लेना। वही बोल रहा हूँ मैं अभी, नहीं कट करते भाई, एक ही बिल है ना, कई कट करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। शाहीन नगर वार्ड नंबर 6 में गरीब अवाम जो लॉकडाउन की वजह से काफी परेशान है, खाने पीने का खर्चा तक निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे नाजुक वक्त में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बरकी बिल अदा करने के लिए जोर दिया जा रहा है। आज ऐसा ही एक वाकया शाहीन नगर वार्ड नंबर 6 में देखा गया। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अहदेदारों को बरकी बिल ना अदा करने पर बरकी काटते हुए देखा गया। बरकी बिल वसूल करने वाले वेंकटेश ने घर घर जाकर अवाम पर बिल अदा करने के लिए ज्यादती की। बिल ना अदा करने की सूरत में वो घरों की लाइट कट कर दी और अवाम से बरकी बिल वसूल करने वाले वेंकटेश ने बदतमीजी से बात की और कुछ लोग बरकी बिल बनने को तैयार थे जिसमें 100-200 रुपए कम होने की वजह से वेंकटेश ने अवाम पर जोर दिया कि पूरा बिल अदा करे नहीं तो लाइट कट कर दी जाएगी। कुछ पैसे कम होने की वजह से पैसे ना लिए और उन घरों की भी लाइट कट कर दी गई। अवाम लॉकडाउन की वजह से काफी परेशान है। लॉकडाउन खुलने के बाद अवाम में रोज बढ़ते केसेस को देखकर खौफजदा है। ऐसे वक्त में हुकूमत की जानिब से बरकी बिल बनने को सख्ती की जा रही है। अब ऐसी सूरत में अवाम जाए तो कहाँ जाए? इन गरीब अवाम का कौन पुरसाने हाल है? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन टीवी न्यूज। 400 है। हाँ। आधा पेमेंट कितने होती? आधे का छोड़ो जी, 200 रुपए कम है इसमें, आधा बोले तो भी। अरे भाई सब देना है फूल, आधा पेमेंट नहीं है। 70% एक बार लेना, 30% एक बार लेना बोल रहा है। मैं तो नेक्स्ट महीने में बंद नहीं करूँगा। बंद लो करो ना, मैं भी मेरे काम का है कट करना। आप कभी बंद लो, आधे के हिसाब से कितना हो रहा है? 2200 हो रहा है। 70% ले रहे आप इससे, 70% पहले लेना। 2 इंस्टॉलमेंट दे रहे भाई, किसकी भी बिला ज़्यादा बिल बने तो फिर बीच में कट करके चले जाते हैं। नहीं नेक्स्ट मंथ 20 तारीख तक अंदर कर देना, नया बिल आने के बाद कर लेना। वही बोल रहा हूँ मैं भी अभी, नहीं कट करते भाई, एक ही बिल है ना, कई कट करते। अरे मेहमान हो तो बात करता रहो सर, चलो नहीं भाई इन लोगों का भरोसा नहीं है, कभी कितनी कट करके चले आते, फोना करे तो मैं उठा ना देख पाँच रुपये और 200 रुपये लेके आता हूँ। यहाँ शाहीन नगर में नेट की बिल बहुत आ रही, हमारे पास 3000-4000 आ रही, हमारे ज़रूरत के से बनते बोले तो नए नए काट के चले जाते बोले। अब क्या करना, गरीब होगा, इतने दिनों से बनता 3-4 महीने से, तो कहाँ से लेंगे बोले तो नए नए कट करके जाते बोल के चले गया। देखो बच्चा इनका पीछे जाते लाइट वाला बच्चा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, शाहीन नगर वार्ड नंबर 6 से बोल रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ ये कि लाइट के बिल आए सो अल्हम्दुलिल्लाह इतने आ रहे हैं कि बनने के लिए सोचना पड़ रहा है कि अब गवर्नमेंट भी कुछ सहूलत नहीं दे रही और कुछ ऐसे हम लोग को हेल्प भी नहीं करी। 1500-1500 रुपये जो अकाउंटों में डाले हैं उससे तो कुछ होने का नहीं है। अब ऐसा ये अब हमारे को लाइट के बिल जो अब बनो बोल के फोर्स कर रहे हैं, नहीं बने तो घरों पर आके सो बड़े बड़े बातें करके लाइट का बिल काट देते हैं और 100-200 भी अगर कम रहे तो उसमें सो वो भी बनने के वास्ते नहीं दे रही। और ऐसो अभी जिसका ने नहीं है उन कहाँ से बनेंगे। और एक तो मकानदारों का वजन हमारे पे दबाव हो रहा है, ऊपर से ऐसे लाइट के बिलों का दबाव हो रहा है, तो करना तो क्या करना आप ही बोलिए। और केसीआर साहब से हमारी अदबन गुजारिश है, थोड़ी बहुत तो भी हमारे लिए हेल्प करिए और शाहीन नगर के जितने भी आवाम हैं उनके लिए कुछ तो कुछ एक मदद की ऐसा गुजारिश है आपसे, बस इतना हमारे आपसे गुजारिश है। Different culture, different traditions, different people, all under one roof, under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College, academic excellence with reasonable fee structure, excellent highly qualified faculty, well furnished and hygienic classrooms. I'm Partha Sardi, principal Success Junior College. Nowadays all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab.
separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.